ये हतीम है, यहाँ पर दो रकात नफल पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर है। फ़र्ज नमाज के वक्त इसको बंद कर देते हैं, इसके अंदर नहीं जाने देते। और ये रुकने यमानी है। और ये जो निशान नज़र आ रहा है दरवाजे का है, इधर बनु उस्मान के ज़माने में इधर दरवाज़ा था, यानी कि दूसरी साइड से लोग दाखिल होते थे, इस साइड से निकलते थे। दो दरवाज़े थे काबे के, बाद में इसको बंद कर दिया गया। अब सिर्फ जब गुस्ल काबा देना होता है उस वक्त दरवाज़ा खोलते हैं, या कोई सरबरा आए किस मुल्क का। और इधर हजरे असवद है, और ये मकाम इब्राहिम। इधर वो पत्थर है जहाँ जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं, इसी पत्थर पर आप खड़े होकर काबे की तमीर की थी। ये ऊपर नीचे लिफ्ट का काम देता था, पत्थर ऊपर नीचे जाता था। ये भी जन्नत से आया था, और ये जो हजरत असवद है ये भी जन्नत से आया था। इसको चूम के तवाफ स्टार्ट करते हैं और इसके इसी पर ख़त्म करते हैं, चूम कर इसको सात चक्कर काबे का लगाना, इसे तवाफ कहते हैं। ये छत है हरम की, काबा की, और ये दरवाज़ा है और नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ इस यहाँ पर इस कोने में काबे की।